हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट वर्क यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जब भी आप नए जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर देते हैं तो डिपार्टमेंट द्वारा उसे प्रोसेस हो जाने के बाद आपको जीएसटी के यूजर आईडी पासवर्ड आपकी मेल पर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, वह यूजर आईडी एक टेम्परेरी यूजर आईडी पासवर्ड होते हैं जिसे हमें फर्स्ट टाइम लॉग इन करके अपनी तरफ से कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड बनाने होते हैं। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप अपने फर्स्ट टाइम लॉगिन करके यूजर आईडी पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। इसे आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर किसी से भी कर सकते हैं। वीडियो को समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपना कोई भी मेन ब्राउजर ओपन कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अपने मोबाइल फोन से कर रहे हैं और यहाँ से ऑप्शन ओपन हो जाने के बाद आप यहाँ से डेस्कटॉप साइट कर लेंगे। क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च बार में सर्च करेंगे gst.gov.in। फ्रेंड्स, यह जीएसटी की साइट होती है। इसे डाल देने के बाद आप यहां पर एंटर प्रेस करेंगे। पेज को रीलोड हो जाने के बाद आपको यहां पे सबसे पहले लिंक दिया हुआ है जीएसटी पोर्टल, इस पर आप क्लिक करेंगे। इतना हो जाने के बाद फ्रेंड्स, यहां पे आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पे आपको नीचे दिया हुआ है फर्स्ट टाइम लॉगिन, इफ यूर आर लॉगिन इन फॉर द फर्स्ट टाइम क्लिक हियर टू लॉग इन। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं, अगर आपने जीएसटी नंबर अप्लाई किया है तब भी आप यहीं से लॉग इन करेंगे, और अगर आपने डिपार्टमेंट द्वारा यूजर आईडी पासवर्ड फॉरगेट कराए हैं तब भी आपको यहाँ पर क्लिक करके ही फर्स्ट टाइम लॉग इन करना होगा। यहाँ से आप करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया हुआ है प्रोविजनल आईडी, GSTIN एंड UIN। फ्रेंड्स, जो भी आपकी मेल पर यूजर आईडी आई हुई है आप यहां पर उसे डाल लेंगे। फ्रेंड्स, अपनी यूजर आईडी डालने के बाद आपको यहां पे नीचे पासवर्ड दिया हुआ है, जो भी आपका उसी मेल पर पासवर्ड आया होगा सेम आप उसी पासवर्ड को यहां पे डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका पासवर्ड कैपिटल और स्मॉल लेटर में भी दिया हुआ है तो सेम पासवर्ड आपको वही डालना होगा। पासवर्ड डाल देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कैप्चर कोड दिया हुआ है, आप इस कैप्चर कोड को इस बॉक्स में डाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कैप्चर कोड समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से इसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं, और अगर आपको तभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से साउंड में भी सुन सकते हैं कि यह कैप्चर कोड क्या लिखा हुआ है। जैसे कि मैं अपना कैप्चर कोड डाल लेता हूं। फ्रेंड्स, कैप्चर कोड डालने के बाद आपको यहां पे नीचे लॉगिन पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, पेज रीलोड हो जाने के बाद आपको यहां पर दिया हुआ है काइंडली प्रोवाइड द बिलो इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसीड। उसके बाद आप यहां पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका दिया हुआ है न्यू यूजर नेम। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम बनाना है, और यूजर नेम कुछ इस तरीके से होना चाहिए जिसमें कुछ अल्फाबेट्स हो, कुछ सिंबल्स हो और कुछ नंबर्स हो, जैसे कि मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। फ्रेंड्स, यूजर आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है न्यू पासवर्ड। पासवर्ड भी आपको कुछ इसी तरीके से बनाना है जिसमें आपके कुछ अल्फाबेट्स हो, कुछ सिंबल्स हो और कुछ नंबर्स हो, जैसे कि मैं अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको नीचे दिया हुआ है रिकन्फर्म पासवर्ड। वह पासवर्ड जो आपने ऊपर की तरफ डाला है सेम वही पासवर्ड आप यहाँ पे नीचे भी डालेंगे। फ्रेंड्स, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद
आपको यहाँ पे नीचे सबमिट दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगी। फ्रेंड्स, जो आपने यूजर नेम डाला है, अगर वह जीएसटी में पहले किसी का भी यूजर नेम नहीं है, तो इस तरीके से आपको एक मैसेज आ जाएगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, काइंडली लॉग इन यूजिंग दिस क्रीडेंटल्स। फ्रेंड्स, आप यहां से चेक करने के लिए अपने यूजर नेम और पासवर्ड को डालकर लॉग इन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहां पे आपको एक बार लॉग इन करके दिखा देता हूं कि हमारे यूजर आईडी एंड पासवर्ड ओके है। यहां पर आप अपना यूजर नेम डाल देंगे जो आपने पहले पासवर्ड बनाया है, आप सेम वही पासवर्ड यहां पर डाल देंगे। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे नीचे कैप्चर कोड दिया हुआ है, सेम वही कैप्चर कोड आप यहाँ ऊपर डाल लेंगी। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नीचे लॉगिन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगी। और फ्रेंड्स, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि वह यूजर आईडी और पासवर्ड जो हमने अभी यहाँ पर बनाए थे, वह पूरे तरीके से ओके हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उस चीज़ का पूरा सल्यूशन देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमें कोई पर्सनली बात बताना चाहते हैं जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं बता सकते, तो वीडियो के साइड में हमने अपनी पर्सनल हेल्प मेल दी हुई है, आप यहाँ पर हमें मेल करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे जब तक आपका सल्यूशन नहीं हो जाता। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।